हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा इस बार 2021 में जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी का इंस्पायर स्कॉलरशिप लिस्ट को जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आप यहां पर इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको यहां पर जो 80,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आना होगा, biharboardonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाता है और आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, यहां पर एक पट्टी चलेगी, यहां पर देख पा रहे इस तरीके से आ रहा है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए लिस्ट के लिए यहां पर जो है जारी कर दिया गया है। सो इस तरीके से यहां पर देख पा रहे कि हाईलाइट हो रहा है, आपको यहां पर कुछ देर तक वेट करना है और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि जितने भी यहां पर इस बार 2021 में 12th पास हुए हैं उनका इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए लिस्ट को जारी कर दिया गया है। यहां पर देख पा रहे कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ इंस्पायर 2021, इस वाले लिंक वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर बस क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे इस तरीके से पीडीएफ आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर सक्सेसफुल यहां पर कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। टोटल यहां पर देख पा रहे कि 269 पेजों का यहां पर दिया हुआ है और सभी का यहां पर इसका लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, सभी का आप देख सकते हैं। यहां पर देख पा रहे कि इंस्पायर एलिजिबल स्टूडेंट 2021, तो यहां पर जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिए हुए यानी कि जो पास हुए हैं उन्हीं लोगों का यहां पर जो है लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो यहां पर स्टूडेंट का नाम देखने को मिलता है, उनका रोल कोड, यहां पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम और उनके मदर्स का नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। टोटल मार्क्स कितना है, आपने यहां पर टोटल मार्क्स कितना लाया, परसेंटेज कितना है, इस तरीके से यहां पर आपको पूरा इस जगह देखने को मिल जाता है। इंस्पायर स्कॉलरशिप लिस्ट में नाम कैसे देखना है क्योंकि यहां पर इतना लंबा लिस्ट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप यहां पर सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहां पर आपको एक सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां पर अपने नेम के द्वारा भी यहां पर आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं या फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम आपको एक स्टूडेंट का सर्च करके दिखाने वाले हैं। यहां पर हमने पहले से कॉपी कर रखा है तो चलिए यहां पर हमने पेस्ट कर दिया, उनके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक यहां पर देखिए सर्च करके आ जाएगा कि इस व्यक्ति का इंस्पायर स्कॉलरशिप लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। तो यहां पर देख पा रहे कि इन स्टूडेंट का यहां पर नाम है, जिनका यहां पर देख पा रहे कि रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब यहां पर शो हो रहा है, इनका देखिए का नाम ये है। सो इस तरीके से आप यहां पर लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है। इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है ये जानने के लिए हमने यहाँ पर गूगल पेज पर एक पेज को सर्च कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021 इंस्पायर छात्रवृत्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को विज्ञान के लिए आकर्षित करने के लिए एक यहाँ पर अभिनव कार्यक्रम है। तो यह एक कार्यक्रम है और इंस्पायर रिसर्च के लिए साइंस पेपर में इनोवेशन के लिए खड़ा है और यहाँ पर इंस्पायर छात्रवृत्ति 2021 उन छात्रों के लिए 10,000 छात्रवृत्ति की पेशकश करेगा जो प्राकृतिक और बुनियादी विज्ञान और इनके संबंधित क्षेत्रों में स्नातक या फिर मास्टर स्तर की शिक्षा को आगे बढ़ाने के इच्छुक है। यानी कि अगर आप यहां पर 12th पास कर चुके हैं और आगे यहां पर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर इंस्पायर स्कॉलरशिप की सहायता दी जाएगी। यहां पर DSE इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020-21 के लिए परीक्षा आयोजित नहीं होगी, यानी कि इसके लिए कोई भी यहां पर एग्जाम वगैरह नहीं होता है और यहां पर पूरी तरह से पात्रता मापदंड के आधार पर वितरित की जाती है। यानी कि आप इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको यहां पर 100% यहां पर आपको दिया जाएगा और कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर आवेदन पत्र यहां पर भरना होता है, चयन प्रक्रिया होती है, छात्रवृत्ति मूल्य पर जोर देंगे तो आगे यानी कि ज्ञान नीचे के लिए स्टेप्स यानी कि दिया गया है। उसके बाद यहां पर पूरा डिटेल दिया गया, नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए इसके लिए आपको देख पा रहे कि प्रति ईयर यानी कि हर साल आपको 12,000 रुपए की यहां पर जो छात्रवृत्ति मिलती है, बाकी आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो अभी यहां पर लिस्ट ही जारी किया गया है, जैसे इनका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है हम आपको जरूर सबसे पहले अपडेट करेंगे। इनकी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, एज लिमिट 17 से लेकर के 22 ईयर यहां पर इनकी एज लिमिट रहती है। ये इसलिए दिया जाता है अगर आप यहां पर 12th पास कर जाते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो ही उन्हीं लोगों का लिस्ट में नाम आ पाता है। उनके बाद यहां पर देख पा रहे कि ऑनलाइन उन फॉर्म आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है जो इंस्पायर छात्रवृत्ति पंजीकरण 2021 के लिए पात्र है, विज्ञान और यहां पर प्रौद्योगिकी विभाग DST। इस टाइप से देख पा रहे कि पूरा डिटेल दिया गया जो कि यहां पर इनके बारे में समझाया गया है।
तो 6 खंड यहाँ पर दिए गए। तो व्यक्तिगत विवरण, बीएससी एमएससी का नामांकन का डिटेल देना होता है, 12वीं की जानकारी देना होता है, इस तरीके से पूरा डिटेल यहाँ पर दे करके तब जाकर के यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पर दे पा रहे कि 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए और उत्तीर्ण के साथ साथ अच्छे मार्क्स अगर आप लाते हैं तो लिस्ट में नाम आएगा। उनके बाद यहाँ पर कोई 3 साल का कोई कोर्स करते हैं, जैसे कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं बीए बीएससी या फिर यूजीसी, तो इस टाइप से करना चाहते हैं तो इस तरीके से उनको यहाँ पर लाभ दिया जाता है। बाकी यहाँ पर कट ऑफ देख पा रहे कि जो डेट रखा गया यानी कि एज लिमिट की, तो 17 से 22 ईयर यहाँ पर जो एज लिमिट को रखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, जाति प्रमाण पत्र ये सब आपको लगने वाला है और राज्य के किसी भी यानी कि बोर्ड से ये सब आपको लगने वाला है। और यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट भी आपको अनिवार्य है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि प्रमाण पत्र वो लगेगा, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा। तो इस तरीके से पूरा डिटेल के साथ आप अप्लाई करेंगे, उनके बाद ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर अधिकतम जो पुरस्कार राशि वो देख पा रहे कि 80,000 रुपये तक आपको प्रतिवर्ष मिल सकता है, इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे कि दिया गया। लगभग यहाँ पर 12,000 सबको यहाँ पर हर साल यहाँ पर जो है भुगतान किए जाते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस पेज का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।